गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग की जो वर्चुअल क्लास है 12th क्लास के लिए चल रही थी, तो चूंकि अब उनके प्री बोर्ड है आज से, तो आज आप लोग को मौका मिल गया 11th क्लास को वर्चुअल क्लास अटेंड करने का। शायद हम लोग की पहली मुलाकात है और फिजिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो जैसे आप लोग के भी अब 1 मार्च से एग्जाम्स है, तो कोर्स तो आप लोग का भी लगभग हो गया होगा। फिर भी चूंकि हमारी क्लास है और हमें कुछ टॉपिक्स दिए गए, तो हम उनको रिवाइज करेंगे। तो गति के नियम, टाइम टेबल के अनुसार हमें ये टॉपिक आज पढ़ना है, गति के नियम। तो न्यूटन, जो आइजेक न्यूटन, ये जो हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने फिजिक्स में बहुत सारा काम किया है, केवल फिजिक्स में ही नहीं, मैथ्स में भी किया है, तो उनके दिए हुए ये गति के नियम इनको आज मैं पढ़ना। तो उससे पहले, गति के नियम पढ़ने से पहले, हम एक दो छोटी चीजें और पढ़ेंगे, जैसे बल की अवधारणा, कि बल क्या होता है। तो कुछ चित्र जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बल जो है या तो कोई खिंचाव या एक धक्का, या बल को हम ऐसे बता सकते हैं कि यह एक बाह्य कारक है जिसकी वजह से किसी वस्तु की अवस्था में या आकृति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन का प्रयास होता है। ठीक, तो बल क्या है? वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था, गति अवस्था या उसकी दिशा या उसके आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन का प्रयास करता है, वो कहलाता है बल। तो किसी वस्तु को जब हम धक्का देते हैं, तो जो बल हम लगा रहे हैं वो उसमें उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है कि द्रव्यमान उसका कितना है, उस हिसाब से उसमें मूवमेंट या गति कितनी होगी। तो ये होता है हमारा बल। ठीक, तो बल जो है स्थिर वस्तु को गति में ले आता है, गति को स्थिर में या उसकी दिशा में परिवर्तन करता है या उसकी आकृति में। तो आकृति में परिवर्तन के लिए हम एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं? एक आकृति में परिवर्तन स्पंज की बॉल जैसे हमारी होती है, अगर हम स्पंज की बॉल को दबाते हैं तो उसकी आकृति, या उसे दबाना मतलब उस पर बल लगाना, जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, और इसके पुल और पुश, इसके तो एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, बल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर हमें यहाँ पे जो है यांत्रिक बल में ही ज्यादा कंसिडर करना है। उसके मात्रक जानते हैं हम लोग, SI मात्रक है न्यूटन, हाँ जी न्यूटन हमारे साइंटिस्ट, उनके नाम पे ही हमने इसको दिया हुआ है, और दूसरे मात्रक हम आगे चल के निकालेंगे। उसके बाद दूसरी चीज आती है इसमें, जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो वो कहलाता है जड़त्व। जड़ शब्द जो है उसी से बना है जड़त्व। जड़ शब्द का अर्थ हम लोग सब जानते हैं कि जो वस्तु अपनी जगह स्थिर रहती है, वो वस्तु कहलाती है जड़। तो जड़त्व क्या है? वस्तु का वह गुण जिसकी वजह से वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब अवस्था परिवर्तन का विरोध मतलब, अगर वो गति अवस्था में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, या अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो ये इस तरह से दो तरह के जड़त्व हो जाते हैं, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व उसको हम किस तरह से परिभाषित करेंगे, कि जो वस्तु अपनी विराम अवस्था में है और वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये कहलाता है विराम का जड़त्व। कि जब कोई, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये कहलाता है विराम का जड़त्व। अब इसके कुछ उदाहरण अगर हम देखना चाहें, तो सबसे कॉमन उदाहरण जो है, जो हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है रीजनिंग वाले प्रश्नों में, वो है कि अगर एक कंबल को छड़ी से पीटा जाता है तो उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो जब ये किसी कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, इसमें विराम का जड़त्व कैसे आता है? कि जब हमने कंबल को पीटा छड़ी से, तो कंबल तो आ गया,
गति अवस्था में, लेकिन विराम की जड़त्व की वजह से उसमें जो धूल के कण थे वो विराम अवस्था में ही रह जाते हैं, और इसलिए वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से विराम की जड़त्व की वजह से कंबल से धूल के कण अलग हो जाते हैं। दूसरी चीज आती है उसमें कि जैसे हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ को हिलाने से उसके में फल गिरने लगते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फिर से विराम का जड़त्व काम करता है कि जब हमने पेड़ को हिलाया तो वो पेड़ और उसके साथ जो टहनियां हैं वो तो आ जाती हैं गति अवस्था में, लेकिन फल जो है वो उतनी जल्दी गति अवस्था में नहीं आ पाते और वो विराम अवस्था में रहते हैं, तो विराम के जड़त्व की वजह से वो उससे टूट कर अलग हो जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिर जाते हैं। उसके अलावा हम लोग सब बस में सफर करते हैं तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बस में खड़े हुए हैं और अपने सहेली से बात कर रहे हैं, अपने मित्र से बात कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं और अचानक से बस चल पड़ी तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। होता है ऐसा? तो पीछे की ओर गिर जाते हैं ऐसा क्यों हो जाता है? या फिर वही विराम का जड़त्व आता है कि जब बस अचानक से चलने लगती है, हमारा ध्यान नहीं है और बस अचानक चलने लगती है तो हमारे शरीर का जो नीचे का भाग है, जो पैर है हमारे, वो बस के कॉन्टेक्ट में है, बस की सतह के स्पर्श में है, तो बस चली तो हमारे पैर भी आगे बढ़ते हैं, हमारे कमर तक का जो भाग है वो गति अवस्था में आ जाता है, लेकिन उतनी जल्दी पूरा शरीर या कमर के ऊपर का भाग हमारा गति अवस्था में नहीं आ पाता, वो विराम में है और इस वजह से हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, क्योंकि आगे का भाग कमर के नीचे का भाग तो आगे चल दिया और पीछे का जो ऊपर का भाग है वो वहीं के वहीं रह गया, तो ऐसा लगता है जैसे हम पीछे की ओर गिर जाए। तो इस तरह से विराम के जड़त्व की वजह से बस के अचानक चलने पर हम लोग पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये कंबल वाला भी और ये बस वाला भी जो एग्जांपल मैंने दिया कि बस के अचानक चलने पर हम पीछे की ओर क्यों गिर पड़ते हैं, समझाइए। तो इस तरह से ये प्रश्न परीक्षा में आता है। उसके बाद चलते हैं, और भी बहुत से उदाहरण आप लोग इसमें, उसके बाद हम चलते हैं गति के जड़त्व होते हैं। तो गति का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वह गत्यावस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो वह उसी दिशा में और उसी वेग में रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो ये कहलाता है गति का जड़त्व। अब जैसे हमने जो बस का उदाहरण लिया उसी में एक और उदाहरण बस में के इसमें आता है हमारा, ये तो अभी हमने जो बात की थी कि हम पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, और दूसरा ये होता है कि बस चल रही है और चलते चलते बस के सामने अगर कुछ आ गया, अचानक से ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं, मतलब चलते चलते जब बस अचानक रुक जाती है तो हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे बस चल रही थी तो बस के साथ साथ हमारा शरीर भी आगे चल रहा था, लेकिन जैसे अचानक ब्रेक लगा तो फिर वही बात कि हमारा जो शरीर है उसका नीचे का भाग तो बस के साथ आगे बढ़ गया, लेकिन जो बस के साथ वही रुक गया, लेकिन जो ऊपर का भाग था वो अभी भी आगे जा रहा है, वो अभी भी गति अवस्था में है और इसलिए हम आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से गति के जड़त्व की वजह से बस के अचानक रुकने पर, एकाएक रुकने पर हम आगे की ओर गिर जाते हैं। दूसरा कारण लेते हैं एक लंबी कूद का। बहुत से बच्चे आप लोगों में से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होंगे, खेलते होंगे, लंबी कूद में भी भाग लेते होंगे, लॉन्ग जंप जिसे हम कहते हैं, या टीवी में तो सबने देखा ही होगा लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप या लंबी कूद जब होती है तो खिलाड़ी वहीं के वहीं से जहां से उसको कूदना है उस पॉइंट से ही नहीं कूदता, वो क्या करता है पीछे से तेजी से दौड़ते हुए आता है और दौड़ते हुए आने के बाद फिर उस लाइन पर स्टेप करके जहां से कूदना है और फिर लंबी कूद लेता है या आगे कूदता है। तो ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि जब वो पीछे से तेजी से दौड़ के आता रहता है तो उसका पूरा शरीर जो है वो अच्छे से गति में आ जाता है, और जब गति में आ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है। तो इस वजह से गति की जड़त्व की वजह से वो लंबी छलांग लगा पाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल हम मिनी बस वाला ले लेते हैं। कोई भी बस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बस के कंडक्टर्स वगैरह रहते हैं
वो लोग चलती बस में ही आराम से कूद लेते हैं और कभी गिरते नहीं, उन्हें कभी चोट नहीं लगती। लेकिन अगर हम लोगों में से ऐसा कोई करने जाए तो हम गिर जाते हैं। अभी एक इंसिडेंस ऐसा टीवी पे भी आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, ट्रेन से चलती ट्रेन से उतरते हुए एक हादसा हो गया है ना। तो जब चलती हुई बस से कूदते हैं तो उसमें क्या होता है, वहां पे दो चीजें काम करती है, एक तो गति का जड़त्व भी और दूसरा दिशा का भी। कि अगर हम जब बस में से उतरना है, हमें बस चल रही है तो बस आगे की तरफ चल रही है, लेकिन अगर हम जब हमें उतरना है तो हम जब दरवाजे पे खड़े हैं तो हमारा मुंह जो है वो बस के डायरेक्शन में नहीं है, वो उसके लंबवत दिशा में है। और बस की गति अलग है, अगर जैसे ही हम चलती बस से उतरने की कोशिश करते हैं तो हमारा शरीर अभी भी गति अवस्था में है और उसकी दिशा कौन सी है, जो दिशा बस की है। लेकिन उतरते समय हमने क्या किया, हम एकदम से उतरे तो हमारे पैर स्थिर हो गए और हमारा जो डायरेक्शन है वो भी बदल गया, दिशा भी बदल गई। तो पैर तो हमारे स्थिर हो गए लेकिन शरीर अभी भी गति की जड़तों की वजह से गति में था और उसकी दिशा भी अलग थी, और इन दोनों वजहों से हम गिर जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि कंडक्टर्स जो है उनको आदत होती है तो वो कभी भी गिरते नहीं है। तो हालांकि वो कोई फिजिक्स का नियम नहीं लगाते, उन्होंने नहीं पढ़ी हुई फिजिक्स, लेकिन वो जो करते हैं उसमें फिजिक्स का नियम ही है। वो उनको कभी भी अगर आप ध्यान से देखें तो वो लोग जब कूदते हैं बस से, चलती बस से, तो वो लोग कैसे कूदते हैं, आगे की तरफ मुंह करके बस की दिशा में ही उनका मुंह, मतलब एकदम सीधे नहीं उतरते वो दरवाजे से, थोड़ा सा टेढ़ा होकर उतरते हैं कि ऐसे बस, तो ऐसे उतरते हैं बस की दिशा में मुंह करके। और दूसरा, उतरते समय एकदम से स्थिर नहीं हो जाते, जैसे ही वो जमीन पे पैर रखते तो ऐसे नहीं कि वही खड़े होकर, वो थोड़ा सा दो चार कदम दौड़ते हैं बस, ताकि जो बस की गति थी उसी गति से वो थोड़ा सा आगे दौड़ते रहते हैं, ताकि गति की जड़त्व जो उनका शरीर में गति है वो जड़त्व की वजह से उनको आगे बढ़ाते रहे, या जड़त्व की वजह से उनको वहां पे एकदम से गिराए ना। तो ये उनको एक्सपीरियंस से आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा फिजिक्स का नियम लगता है कि दिशा और गति का जड़त्व। ठीक, तो कभी भी चलते वाहन से अगर कोई कूदता है तो वैसे तो कभी कोशिश किसी को करनी ही नहीं है, लेकिन मैंने यही बताया आप लोग को कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी उनको ये चीज मालूम है। तो हमारे जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां पे हमारा फिजिक्स सही रीजन हमें नहीं बताता। ठीक, तो ये हो गया हमारा गति का जड़त्व। उसके बाद अब यहीं से हम आते हैं न्यूटन के प्रथम नियम पे, जो हमें गति के नियम पढ़ने हैं। तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी, या अगर गति अवस्था में है तो वो उसी दिशा में उसी वेग से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक, तो देखा हमने इसमें कि दोनों जड़त्व इसमें आ रहे हैं, विराम का जड़त्व भी और गति का जड़त्व भी, और इसीलिए हम प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो क्या कहता है हमारा गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो उसी दिशा में उसी वेग से तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसके बाद अगली चीज आती है हमारी संवेग। संवेग, तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग, और इसको हम अक्षर P से लिखते हैं। तो P इज इक्वल टू एम इंटू किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग, और ये एक सदिश राशि होती है। तो संवेग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, जैसे अभी हमने बल में शुरुआत में बात की कि जो वस्तु भारी है उस पर बल ज्यादा लगेगा या जो वस्तु हल्की है उस पर बल कम लगेगा, तो ये चीज आती है संवेग में कि द्रव्यमान और वेग इन दोनों का गुणनफल जो है वो निश्चित है। तो अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो वेग कम हो जाएगा, और वेग ज्यादा है तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो संवेग जो है हमारा, इसमें इसके लिए अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे भारी बक्सा है तो उसे हमें हिलाना है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बल ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक,
और अगर एक हल्की चीज है तो उसको हम आराम से हिला सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, तो ये होता है यहाँ पे संवेग। ठीक, तो अगर दो वस्तुएं हैं, एक संवेग को हम इस तरह से एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि हम साइकिल से स्कूल आ रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं जो साइकिल से स्कूल आते होंगे, तो आराम से अपने साइकिल चला के जो अपने को स्कूल का टाइम मालूम है उस हिसाब से अपन घर से निकलते हैं, और स्पीड अपने को मालूम है तो उसी स्पीड के हिसाब से हम लोग साइकिल चलाते हुए अपना टाइम मेंटेन करके स्कूल पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब पहुंचते भी, लेकिन कई बार क्या होता है, एक दिन क्या होता है कि हमारी एक सहेली हमें मिल जाती है रास्ते में, हमारा मित्र मिल जाता है और वो हमें कहता है कि हमें पीछे बिठा लो अपने साथ, हमें भी ले चलो स्कूल। तो जब हम उसको पीछे बिठा लेते हैं तो क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान जैसे ही बढ़ जाता है तो हमारे साइकिल की जो स्पीड है या वेग है वो क्या होता है, कम हो जाता है। द्रव्यमान के बढ़ते ही वेग कम हो जाता है। वेग कम होने से अब स्कूल टाइम पे पहुंचने के लिए या तो हमें क्या करना पड़ेगा, बल अधिक लगाना पड़ेगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी ताकि हम उस स्पीड को मेंटेन करके और टाइम पे स्कूल पहुंच सके, या फिर हम स्कूल पहुंचने के लिए लेट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से संवेग हमें बताता है कि द्रव्यमान और वेग, इन दोनों के गुणनफल का प्रभाव जो है वो होता है संवेग। तो इसमें दो विशेषताएं इसमें संवेग की होती हैं, दो चीजें, कि यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। ठीक, भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। और दूसरा, यदि दो वस्तुओं का संवेग एक समान है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक। हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक। उसके बाद आते हैं हम, अब संवेग हमने समझ लिया, इसको याद रखेंगे हम P is equal to m into v। और इससे हम इसका जब मात्रक निकालेंगे तो m का मात्रक हमारा किलोग्राम और वेग का होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाता है हमारा इसका SI मात्रक। और इसी तरह से हम इसका अगर विमीय सूत्र निकालने की कोशिश करें P का, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है हमारा m, और वेग का क्या होता है हमारा, वेग मतलब विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन मतलब l और समय बटे समय मतलब t, तो ये हो जाता है हमारा m l t माइनस। तो इस तरह से हमारा संवेग का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस वन, और इसका एसआई मात्रक जो है वो होता है किलोग्राम मीटर पर। तो कभी भी अगर परीक्षा में हमें इसकी परिभाषा या किसी भी इसकी परिभाषा, भौतिक राशि की परिभाषा लिखने को आती है तो साथ में हमें उसका मात्रक और उसका विमीय सूत्र भी लिखना चाहिए। और विमीय सूत्र निकालना या मात्रक निकालना, अगर हमें ये वाली परिभाषा इसकी याद है, ये सूत्र याद है, तो हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। तो न्यूटन के गति, ये पहले नियम के कुछ चित्र हैं, और जैसे हम देख रहे हैं इसमें कि ये एक ट्रॉली जो बच्चा मूव कर रहा है, तो जिस दिशा में वो बल लगा रहा है वो उसी दिशा में बढ़ रही है। ड्रॉवर को खींचा गया तो जिस दिशा में बाहर खींचा गया उसी दिशा में आया। फिर दूसरा इसमें कि हॉकी स्टिक से बॉल को मारते हैं तो वो उसी दिशा में जा रही है, कुछ एग्जाम्पल्स। और एक एग्जाम्पल जो है उसमें जब आवेग की बात आएगी तब हम उसको और डिस्कस करेंगे। द्वितीय नियम पे आते हैं, तो द्वितीय नियम क्या कहता है हमारा गति का, कि किसी भी वस्तु में के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती। किसी भी वस्तु के में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती। और इस द्वितीय नियम से जो हमारा बल का सूत्र है F is equal to m into a, हम उसको स्थापित करते हैं। और ये भी परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुराने पेपर्स आप उठा के देखेंगे तो ज्यादातर पेपर्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, और उसकी सहायता से सूत्र F is equal to m a की स्थापना कीजिए या उसको स्थापित कीजिए। ठीक, तो इसको हम अब करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m, m द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है, और उसका वो u
उसका प्रारंभिक वेग है या u वेग से वो गतिमान है। तो उसका संवेग, प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, p1 is equal to m into u, जैसा भी हमने देखा कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग अगर u है तो उसका प्रारंभिक संवेग होगा p1 is equal to m into u। अब इस वस्तु पर यदि हम डेल्टा टी समय तक एक पल लगाते हैं, तो जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। तो अब हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो वेग है वो हो जाता है आपका v, पहले u था और u से बढ़कर अब उसका वेग हो जाता है v, जब हम उस वस्तु पर डेल्टा t समय के लिए f बल लगाते हैं। तो इसका संवेग जो है p2, ये हो जाएगा आपका m v, ये हो गया इसका प्रारंभिक संवेग और ये अंतिम संवेग या संवेग जब हमने डेल्टा टी समय के लिए उस पर बल एफ लगाया। तो डेल्टा टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन, डेल्टा टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन, ये कितना हो जाएगा हमारा p2 माइनस p, संवेग में परिवर्तन, तो हो जाएगा m v माइनस m u, या p2 माइनस p1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा p, और यहां से m कॉमन निकल गया तो ये हो गया v माइनस u, या डेल्टा p इज इक्वल टू ये वेग में परिवर्तन, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा m या डेल्टा v। तो m डेल्टा, तो ये आ जाता है हमारा संवेग में परिवर्तन डेल्टा t। अब अगर वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, हमारा जो हमने अभी द्वितीय नियम पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि वस्तु के संवेग में के परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, तो जब दर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा टी से भाग देते हैं। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ये कितनी हो जाएगी हमारी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। लेकिन जब हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इस राशि को देखते हैं तो ये क्या है हमारी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ये है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब त्वरण, और त्वरण को हम कैसे लिखते हैं, a से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू a, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू a, ये एक चीज आ गई हमारे पास। अब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार f अनुक्रमानुपाती है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। तो इन दोनों समीकरणों को जब हम मिलाते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि f अनुक्रमानुपाती है m a के, f अनुक्रमानुपाती m a या f is equal to k m o। यह हमें पता है जब भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हम बराबर में बदलते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो यहाँ गया f is equal to kmp। अब k जो है हम m और a के मात्रक इस प्रकार से चुनते हैं कि k बराबर 1 हो जाए। तो जब k बराबर 1 हो जाएगा तो f is equal to क्या हो जाएगा हमारा, m into a, f is equal to m into a, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणित।
तो यही हमारे उसकी परिभाषा होती है बल की का सूत्र होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसमें करना है। तो ये 4 नंबर का प्रश्न, 4 या कई बार 5 नंबर में भी आता है प्रश्न। प्रश्न क्या था हमारा कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम लिखिए एवं उसकी सहायता से सूत्र F=ma की स्थापना कीजिए। ठीक, तो हमने सबसे पहले न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखा कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती। और उसके बाद हमने कहां से शुरुआत की थी, एक बार हम देख लेते हैं। हमने शुरुआत की थी कि माना कोई वस्तु है m द्रव्यमान की जिसका प्रारंभिक वेग है u, और तो उसका प्रारंभिक संवेग हो जाएगा p1=mu। उस पर उस वस्तु पर डेल्टा t समय के लिए, अल्प समय के लिए एक बल f लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है और वेग हो जाता है उसका v। तो उसका संवेग हो जाएगा p2=m×v। अब डेल्टा t समय के पश्चात संवेग में परिवर्तन, तो p2−p1mv−mu। m कॉमन निकाल लिया हमने और v माइनस यू वेग में परिवर्तन, तो डेल्टा p=m∆v। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, तो जब हमें दर निकालनी होती है तो हमें समय से भाग देना होता है, या अल्प समय लिया है इसलिए हम डेल्टा t से भाग देंगे। तो डेल्टा p/∆t=m∆v/∆t। लेकिन परिभाषा से हम जानते हैं कि ∆v/∆t जो है वो होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो ∆p/∆t=ma। अब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से f=∆p/∆t, इन दोनों समीकरणों को मिलाने से मिल जाता है हमें f=ma। f=ma या f=kma। फिर k के मात्रक इस तरह से लिए जाते हैं कि अगर m=1 और a=1 तो f=k या f=1 ले लेते हैं हम, तो यहाँ से f=ma। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब इससे एक चीज आती है हमारे इस सूत्र से, जो हमारे f=ma इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको हम देखते हैं कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। या यहां से हम f=ma जो लिखा हुआ है उससे हम a=f/m ये भी लिख सकते हैं। और a अगर हम इसमें f को एक नियतांक लगा मान ले, मतलब अगर हम किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाते हैं, कांस्टेंट बल लगाते हैं, तो उसका त्वरण जो होगा वो क्या होगा, m के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो त्वरण कम होगा और अगर द्रव्यमान कम होगा तो त्वरण ज्यादा होगा। ठीक, तो इस तरह से हम इससे निकालते हैं कि किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन, ये भी कई बार आता है परीक्षा में कि द्वितीय नियम अब क्या हो गया हमारा, यहाँ से f=ma इससे हमें प्रथम नियम का निगमन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे कि ये है f=ma, तो f=m∆v/∆t। प्रथम नियम में हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने बाह्य बल कोई नहीं लगाया, तो जब f=0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, m∆v/∆t=0 या m∆v=0। अब जब ये देखते हैं हम तो दो वस्तुओं का गुणनफल शून्य है, तो इनमें से कोई ना कोई एक वस्तु शून्य होना जरूरी है, ये हम जानते हैं। लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान तो शून्य हो नहीं सकता, इसलिए शून्य क्या हो जाएगा,
डेल्टा वी शून्य हो गया, मतलब उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब डेल्टा वी जो है या वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब जो वेग है उसका वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, वेग बदल नहीं रहा है। तो जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर वस्तु स्थिर है, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब वो स्थिर रहेगी, और अगर गतिमान है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब उसी वेग से उसी दिशा में गति करती रहेगी। तो यही हमारा प्रथम नियम था। तो इस तरह से हम द्वितीय नियम से प्रथम नियम को सिद्ध करते हैं। ये पूरा आपको इसमें लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब यदि हम किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो एफ इज इक्वल टू जीरो, यहाँ रखेंगे तो एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो या एम डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। दो वस्तुओं का जब गुणनफल शून्य होता है तो उनमें से एक वस्तु का शून्य होना जरूरी है। अब वस्तु का द्रव्यमान तो शून्य नहीं हो सकता, इसलिए डेल्टा वी बराबर जीरो, डेल्टा वी जीरो अर्थात वेग में परिवर्तन शून्य, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा अर्थात जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वो उसी वेग से गति करती रहेगी। तो ये हो जाता है प्रथम नियम। तो इस तरह से हम द्वितीय नियम से प्रथम नियम का निगमन करते हैं। उसके बाद अगली चीज हमारी इसमें जो आती है वो है आपके बल के मात्रक, वो सब बाद में देखते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या होता है हमारा, ये एक एग्जांपल है हमारा, सब आपने सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, अभी पीछे निकल गया है। कौन से वाले का याद आ रहा है आपको, विराम के जड़त्व का, विराम के जड़त्व को दर्शाता हुआ है। ये सब ये आप लोग घर में भी करके देख सकते हैं। इसी एग्जांपल से हम कैरम बोर्ड वाले एग्जांपल को भी समझ सकते हैं। तो विराम के जड़त्व का एग्जांपल ये किस तरह से है कि जब ये कार्डबोर्ड पे हमने एक सिक्का रखा हुआ है, ग्लास पे रखा है, तो उस कार्डबोर्ड को अगर हम धीरे धीरे खींचते हैं तब तो वो सिक्का भी कार्डबोर्ड के साथ आ जाएगा, लेकिन अगर हम तेजी से एक झटके से खींचते हैं तो सिक्का नीचे गिर जाएगा। तो क्यों नीचे गिर जाएगा, क्योंकि कार्डबोर्ड तो आ गया गति में लेकिन सिक्का जो है वो रह गया विराम अवस्था में, तो विराम की जड़त्व की वजह से सिक्का वहीं नीचे गिर गया। तो जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम की जो गोटियां हैं उसको भी एक के ऊपर एक जमाते हैं, और अगर बहुत तेजी से स्ट्राइकर से मारते हैं तो हम देखते हैं एक बार कि नीचे की गोटी तो सरक गई है, बाकी ऊपर की वैसी रह जाती, गिरती नहीं है, लेकिन वही धीरे अगर मारेंगे तो पूरी गोटियां गिर जाएंगी। उसी तरह से एक एग्जांपल वो वाला भी लेते हैं हम लोग, जो अगर बंदूक की गोली से कांच खिड़की में मारा जाए तो खिड़की का जो कांच है, अगर गोली बंदूक की गोली से मारा जाए तो वो गोली उसको छूती हुई निकल जाती है, उसमें एक छेद करती हुई, और बाकी का जो कांच है वो टूटता नहीं है। तो उसमें भी वही बात आती है कि जो बंदूक की गोली है वो गति में है, उसकी वजह से जो उसका कांच है जहां पे लगती है तेज गति में है तो उसको छूती हुई निकल जाती है, उतना छेद करके उतने ही भाग में गति आ पाती है कांच के, और बाकी का जो कांच का भाग है वो उसमें गति ट्रांसफर नहीं हो पाती, तो वो वैसा का वैसा रहता है। लेकिन अगर पत्थर से मारा जाए तो पत्थर की स्पीड या गति इतनी तेज ज्यादा नहीं रहती, तो उसकी जब वो कांच को छूता है खिड़की के तो वो पूरे कांच में उसकी गति ट्रांसफर हो जाती है। ये वाले एग्जांपल्स हैं आपके दिशा के जड़त्व। ये वाला जो कीचड़ वाला एग्जांपल हम देख रहे हैं ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि साइकिल के टायर पर मडगार्ड क्यों लगाया जाता है, ये एक प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम का। साइकिल के पहिए पे ये वृद्धि गति में भी हम इस एग्जांपल को लेते हैं, और यहाँ पे भी ये हम पढ़ चुके हैं द्वितीय नियम, ये आवेग का है। अब हम आते हैं तृतीय नियम कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, या इस तरह से हम उसको बोलते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब इसके एग्जांपल में जो बॉल वाला है, सभी हम लोग बॉल खेलते हैं बचपन में, तो दीवार पे बॉल को मारते हैं और बॉल टकराकर वापस आती है,
वो भी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिस तेजी से आप बॉल मारोगे उसी तेजी से वो वापस आपके पास आएगी। ये कुछ और एग्जाम्पल्स है। जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें आप देख रहे हैं कि बंदूक से जब गोली मारी जाती है तो गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे की तरफ धक्का लगता है बंदूक से। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेलों में कई बार चलाई होगी बंदूक, जब मेले लगते हैं हमारे यहाँ और उसमें गुब्बारे फोड़ने के लिए वो छर्रे वाली जो बंदूक होती है तो उससे हम लोग निशाना लगाते हैं। लगाया है बच्चों ने? हाथ ऊपर करके बताएं कितने बच्चों ने चलाई है वाली बंदूक या कोई भी? किसी ने नहीं। मेले तो सभी जगह लगते हैं और सभी मेलों में कहीं ना कहीं होती है छर्रे वाली बंदूक, जिससे गुब्बारे फोड़ने का मजा हम लोग लेते हैं, निशाना लगाने का। हाथ ऊपर करके बताएंगे बच्चे कितने बच्चों ने ये अनुभव किया है? कहीं के बच्चों ने नहीं। हाँ, ये विदिशा के बच्चों के हाथ ऊपर हो रहे हैं। विदिशा के बच्चों ने, बहुत बच्चों ने चलाई है। तो जब बाकी बच्चों ने नहीं चलाई है, ऐसा मौका नहीं मिला आप लोग को। बड़ा आश्चर्य की बात है, जयसिंह नगर के बच्चे मना कर रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं चलाई। तो आप भोपाल आइए, भोपाल मेला लगा हुआ है और उसमें आप कोई मौका मिलेगा। तो हम उसमें ये बताना चाह रहे थे कि जब हम जिन्होंने, जैसे अभी विदिशा के बच्चों ने और ये माथुन सागवा से भी हाथ ऊपर हो रहे हैं कुछ, तो इन लोगों ने चलाए हैं तो ये अनुभव किया होगा कि जब हम चलाते हैं गोली तो गोली आगे जाती है लेकिन कंधे पे हमारे एक झटका सा लगता है पीछे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि गोली जब आगे जा रही है तो वो हो गई क्रिया, और उसके विपरीत प्रतिक्रिया के स्वरूप एक बल पीछे की तरफ बंदूक पे लगता है। तो ये हमारा न्यूटन का तीसरा नियम। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जो नाव वाला, देख रहे हैं आप लोग उदाहरण कि जब हम नाव से उतरते हैं तो जैसे ही हमने एक पैर आगे बढ़ाते हैं तो नाव पीछे की तरफ जाने लगती है। हम इस तरफ उतरने लगते हैं किनारे की तरफ तो नाव पीछे की तरफ जाने लगती है। तो इसमें भी वही बात है, क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग हम लोग पढ़ चुके हैं, ये उसी का उदाहरण है। फिर तो न्यूटन का तीसरा नियम, एक प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद एक और टॉपिक है आवेग। आवेग का जो एग्जाम्पल है सबसे कॉमन, वो भी सभी लोगों ने अनुभव किया होगा। क्रिकेट जब खेलते हैं हम, जब बैट से बॉल को मारते हैं, कभी चौका लगता है कभी छक्का लगता है, लेकिन कभी तो बहुत धीरे से जाती है बॉल। तो वैसे ही गिल्ली डंडे का भी एग्जाम्पल, जब गिल्ली को मारा जाता है डंडे से तो कई बार तो बहुत दूर तक जाती है लेकिन कई बार पास में रुक जाती है। तो यहाँ ऐसा क्यों होता है? तो ये समझाता है हमें आवेग। तो आवेग क्या है कि जब कोई बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए लगा जाता है तो बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। कोई बल जब किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए लगाया जाता है, थोड़े से समय के लिए लगाया जाता है, तो उन दोनों का गुणनफल और उसका क्या प्रभाव है वो कहलाता है आवेग। तो जैसे अभी हमने बैट बॉल की बात की, क्रिकेट की, तो बैट से जब बॉल लगती है हमारी, जब चौका या छक्का जाता है तो जब हम बल लगा रहे हैं वो तेज बल है, और उस समय बॉल और बैट जो टच हो रहे हैं एक दूसरे से उनका समय अंतराल बहुत कम है। मतलब एक सेकंड के भी कुछ छोटे से हिस्से के लिए बॉल टच करती है बैट को, तो वहां समय अंतराल कम हो जाता है। जैसे अभी हमने ये वाला एक सूत्र पढ़ा, एफ is equal to delta p upon delta t। तो यहां से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f is equal to delta p upon delta t। तो यहां f व्युत्क्रमानुपाती है delta p के, या delta t व्युत्क्रमानुपाती है f के। तो समय अंतराल कम होगा और बल ज्यादा होगा तो आवेग जो है वो ज्यादा हो जाएगा। और आवेग को हम कैसे लिखते हैं? टाउ। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, बल और समय अंतराल के गुणनफल को कहा जाता है आवेग। ठीक, गिल्ली डंडे में वही एग्जांपल है, जब अगर आप धीरे मार रहे हो तो धीरे मारते समय गिल्ली और डंडे का कांटेक्ट जो है वो ज्यादा समय के लिए रहता है, समय अंतराल ज्यादा हो जाता है, इसलिए बल का प्रभाव कम हो जाता है, गिल्ली दूर तक नहीं जा पाती। लेकिन जब तेज मारते हैं
तो समय अंतराल वहां कम हो जाता है और इसलिए बल ज्यादा लग जाता है, और बल ज्यादा लगने से समय अंतराल कम होते ही बल ज्यादा लग जाता है, और बल ज्यादा लगने से गिल्ली बहुत दूर तक जा पाता है। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हम आवेग के ले सकते हैं। जब छोटे बच्चों को हम देखते हैं मस्ती करते हैं, जब हम छोटे थे हम भी करते थे, तो गद्दों पे कूदने में बहुत मजा आता है। जब गद्दों पे कूदते हैं या रेत में कूदते हैं तो हमें चोट नहीं लगती, लेकिन वही अगर कभी हमें फर्श पे कूदना पड़े, पक्की फर्श पे, तो पैरों में चोट लग जाती है। क्यों? यहाँ पे भी आवेग बताता है हमें इसका कारण कि जब हम पक्की फर्श पे कूदते हैं तो जैसे ही हम कूदते हैं हमारे पैर जो है वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आते हैं सतह के, और पूरा का पूरा जो बल जिस फोर्स से हम कूदे थे वो हमारी बॉडी को वापस ट्रांसफर हो जाता है और हमें चोट लग जाती है, पैरों में लगता है। लेकिन जब हम रेत पे या गद्दों पे कूदते हैं तो हमें मालूम है रेत भी थोड़ी धंसती है, अब गद्दे जो है वो भी नीचे की तरफ धंसते हैं, तो वहां पे हमारे पैरों और जो सतह है उसके भी जो कांटेक्ट हो रहा है, उसमें जो संपर्क हो रहा है, वहां पे समय अंतराल बढ़ जाता है, और समय अंतराल बढ़ने के साथ ही बल का प्रभाव कम हो जाता है। ये जो सूत्र हमने लिखा हुआ है इसके हिसाब से जैसे ही समय अंतराल बढ़ गया बल का प्रभाव कम हो गया, बल कम हो गया तो हमें चोट भी कम लगती है। इसीलिए कीचड़ में या रेत में या स्पंज में या रुई या कुशन किसी भी गद्दों पे कूदने में, वैसे ही सर्कस में हम देखते हैं जो कलाकार होते हैं वो जाली लगी होती है उस पर कूदते हैं, जाली पे कूदने से क्या होता है वही बल जो है उनका वापस उनकी बॉडी में ट्रांसफर होता है, समय जाली पहले नीचे तक जाती है तो समय अंतराल बढ़ जाता है और उनको चोट कम लगती है। यही रीजन होता है, फिर से आवेग ही हमें समझाता है कि जो हमारे बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी के या कांच के, वो अगर फर्श पे गिरते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन वही अगर कच्ची जमीन पे या मिट्टी पे गिरते हैं तो नहीं टूटते, कच्चे फर्श पर टूटने से वो नहीं गिरते। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें इस चीज का कि समय अंतराल बढ़ते ही बल का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये होता है हमारा आवेग। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे इसको, कल की जो क्लास है इसमें हम इसको आगे और बढ़ाएंगे, गति के तीसरे नियम से हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें गति के तीसरे नियम से जो द्वितीय नियम है उसको करना है हमें, फिर संवेग संरक्षण का सिद्धांत, फिर रॉकेट नोदन का सिद्धांत, रॉकेट नोदन वाला एक 5 नंबर का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वो वाला एक जो प्रश्न है हम उसको कल की क्लास में लेंगे। तो अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो उसको पूछ सकते हैं वो, बाकी इसके बाद कल की क्लास में हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, तीसरे नियम से प्रथम नियम का, और उसके बाद रॉकेट रोधन का सिद्धांत जो 5 नंबर का प्रश्न है हमारा, तो ये सारे प्रश्न हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसके बारे में अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अभी पूछ सकते हैं, या कल के लिए अगर आप कुछ प्रश्न लाना चाहते हैं तो
कहीं से कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे आज की अपनी क्लास खत्म करते हैं और कल इसी समय 11 बजे वापस मिलेंगे आपसे नए टॉपिक्स के साथ, जो हमने आज बता दिए तो आप लोग उसको एक बार रिवाइज लेकर के आइएगा, थोड़ा सा देख के आइएगा, और कुछ अगर प्रश्न है तो वो भी आप लोग लिख के आइएगा।